नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या कोई भी प्रोजेक्ट में अगर 51% फ्लैट्स की अगर बिक्री नहीं हुई है तो क्या सोसाइटी रजिस्टर की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो किस क्या क्राइटेरिया है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले, अगर आप अब तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो आप तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट्स, इनके रिलेटेड जो लॉज है, रूल्स और बाईलॉज है, उनकी जानकारी हम आपको सातत्यपूर्ण तरीके से देने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से हम करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर 30 फ्लैट है, 40 फ्लैट है, लेकिन बिल्डर ने 51% से ज्यादा फ्लैट्स की बिक्री नहीं की है। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 30 फ्लैट एक सोसाइटी में थे, एक प्रोजेक्ट में थे, उनमें से बिल्डर ने सिर्फ 11 फ्लैट बेचे थे, तो बचे 19। इन लोगों की तकलीफ ये थी कि बिल्डर 19 फ्लैट जो है बेचना नहीं चाहता था, और जो 11 फ्लैट ओनर्स है तो उनको अपना हक जो है जमीन पर कैसे और बनाएंगे, तो उनके लिए सोसाइटी रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा मेंटेनेंस का इश्यू बहुत आ रहा था, बिल्डर 11 लोगों से मेंटेनेंस ऐट रहा था, ज्यादा रकम ऐट रहा था, और उसके जो 19 फ्लैट है उसका जो मेंटेनेंस है वो ठीक ठाक से नहीं पे कर रहा था, तो वो एक दिक्कत थी। तो इनको सोसाइटी रजिस्टर करनी थी। अब इनको 5 साल पहले ही इनको जो है पोजीशन मिल चुका था, 4 साल पहले उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला था, उसी मिली थी, लेकिन उनकी सोसाइटी जो है रजिस्टर करने में वो अब तक नाकाम रहे थे। तो हमने ये प्रपोजल जब सादर किया तो हम इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। ये एक ही आधार पे सक्सेस हमें मिला है कि जो 11 फ्लैट बेचे बेचे जा चुके हैं उनका राइट है कि वो सोसाइटी रजिस्टर करें, क्योंकि कॉपरेटिव एक्ट के तहत 5 मेंबर्स की भी सोसाइटी की जा सकती है, कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर की जा सकती है। इनके तो 11 है। इसके अलावा 19 जो फ्लैट्स थे उनको ओसी मिला है, लेकिन बिल्डर ने वो ना बेचने का निर्णय लिया है। अब उसके लिए प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि 5 साल उसने बेचा नहीं, वो प्रूफ है कंसिडर किया जा सकता है क्या? हाँ, किया भी जा सकता है, लेकिन बिल्डर ने वो जो फ्लैट्स थे उनका यूज करना भी शुरू कर दिया था, और उन्होंने उसमें टेनेंट्स भी रखे थे। तो हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा रूल है कि अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट में एक या उससे ज्यादा फ्लैट्स होते हैं, 2 या उससे ज्यादा, तो भी आपको वोटिंग राइट एक ही होगा। तो कॉपरेटिव में ये 19 फ्लैट के लिए एक वोट, और जो 11 फ्लैट्स थे उनके लिए 11 वोट, क्योंकि वो अलग अलग ओनर्स थे, तो उनकी मेजोरिटी बनती है 7 की। तो मेजोरिटी से अगर प्रपोजल रजिस्ट्रेशन का डाला जाए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाए, तो उसमें सक्सेस आता है, और हमने ये अभी एक ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कोई स्थिति है तो आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करें, आपको आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है। देखिए, इसमें 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ओसी मिली है और 51% फ्लैट जो है बेचे नहीं है, लेकिन 5 से ज्यादा फ्लैट्स बेचे जा चुके हैं। अब ओसी मिली है, समय बीत गया है 2, 1, 2, 3, 4 साल का, और बिल्डर भले यूज करे फ्लैट्स या ना करे, ऑक्यूपाई करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। ओसी मिलने के बाद अगर 51% फ्लैट्स बेचे भी नहीं गए हैं, लेकिन 5 से ज्यादा फ्लैट बेचे गए हैं, तो उस स्थिति में आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है, वो दूसरी जो परिस्थिति है वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट में फ्लैट्स जो है 51% बेचे नहीं गए हैं, ओसी भी नहीं मिला है। अब इस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपने पोजेशन लिया है, लेकिन बिल्डर ने जो बचे हुए फ्लैट्स है उनका 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 उनको कोई टेनेंट नहीं रखा है, या फिर बेचा ही नहीं है, लेकिन आपको पोजीशन दिया गया है। तो इस स्थिति में भी अगर बिल्डर ने वो फ्लैट्स अगर रेंट पे दिए हैं, उस स्थिति में हम ये क्लेम कर सकते हैं कि बिल्डर ने वो ऑक्यूपाई करे हैं, इसलिए बिल्डर जो है वो एक ओनर हो गया, एक मेंबर हो गया, और बाकी के लोग, तो उनकी मेजोरिटी से सोसाइटी रजिस्टर की जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ओसी नहीं है, फिर भी आपने पोजीशन लिया है, और बाकी के जो फ्लैट है जो बेचे नहीं गए हैं उनका पोजीशन भी बिल्डर ने अगर रेंट पे देकर किया है, तो फिर उस स्थिति में भी सोसाइटी रजिस्टर की जा सकती है। ये दोनों क्राइटेरियाज में
सोसाइटी रजिस्टर की जा सकती है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे हैं, उसके मेरे दूसरे वीडियोस भी हैं जो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर ये स्थिति है आपके यहाँ पे, तो आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो जो जमीन है उसका पैसा तो आपने ऑलरेडी बिल्डर को दिया है। जब तक आप सोसाइटी नहीं करेंगे, तब तक वो जमीन पर आपका मालिकाना हक आप सिद्ध नहीं कर सकते, आपका नहीं बनता है। इसलिए कन्विंस करने के लिए या फिर डिम कन्विंस करने के लिए सोसाइटी रजिस्टर करना जल्द से जल्द आप प्रयास करें, आपको सफलता उसमें मिल सकती है। धन्यवाद।